हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ की इंग्लिश कम्युनिकेटिव बुक से पोम नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है सॉन्ग ऑफ द रेन और ये लिखी है खलील गिब्रन ने। तो जब हम ये पोम शुरू करें उससे पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके बारे में जानना है। इस वीडियो में हम इस पोम का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और साथ साथ लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ हुए हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कि ये पोम किस बारे में है, तो इसमें जो है पोएट ने रेन का जो इम्पोर्टेंस है अर्थ के लिए, नेचर के लिए, वो बताया है और रेन को पर्सोनिफाई करते हुए रेन क्या फील करती होगी वो भी डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। रेन हियर सेज, आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन बाय द गॉड्स। अब यहाँ पे आई यहाँ पे क्या है, रेन है। आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन बाय गॉड्स। हेवन यहाँ पे बेसिकली है स्काई, जहाँ से रेन आती है। तो यहाँ पे रेन कहती है आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स, मैं कैसी हूँ, मैं सिल्वर थ्रेड की तरह गिरती हूँ जिसमें कि डॉट्स हैं। रेन जब वर्टिकली गिरती है तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो इस तरीके से कुछ गिरती है, तो ये डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स मान सकते हैं। यहाँ पे सिल्वर जो कलर है ये वाटर का है। ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन, कहाँ से गिरती हूँ मैं, स्काई से, बाय द गॉड्स, और मुझे गिराता कौन है, गॉड्स, मुझे ज़मीन पे कौन भेजता है, ईश्वर। नेचर देन टेक्स मी टू अडॉन हर फील्ड्स एंड वैलीज। उसके बाद क्या होता है, नेचर मेरा वेलकम करती है, मुझे लेती है, मेरा इस्तेमाल करती है। क्यों, टू अडॉन। अडॉन मीन्स टू डेकोरेट, टू ऐड ब्यूटी टू हर फील्ड्स एंड वैलीज। नेचर अपने फील्ड्स को, अपनी वैलीज को ब्यूटिफाई करती है मेरी हेल्प से। अब हम बात करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच जो इस स्टैंजा में यूज हुए हैं। सबसे पहले तो आई है, तो यहाँ पे रेन को वॉइस दी गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन। वॉइस क्या है, ये ह्यूमन कैरेक्टर है, तो ये हो जाता है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन। दूसरा हो जाता है मेटाफर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेन को कंपेयर किया गया है डॉटेड सिल्वर थ्रेड से, एक हिडन सिमिलैरिटी है। और लाइक और एज वर्ड्स भी यूज नहीं हुए हैं, तो इस कंपैरिजन को हम नाम दे सकते हैं मेटाफर। यहाँ पे ये हो जाता है मेटाफर। और उसके बाद एक और फिगर ऑफ स्पीच हम यहाँ पे देखते हैं, टी एन टी, रेपिटिशन। एंड आई एम श्योर आप सभी को अब तक पता चल गया होगा कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है। यस, इट इज एलिटरेशन। जब साउंड का रेपिटिशन होता है नियर बाय वर्ड्स में, तो वो हो जाता है उनके इनिशियल प्लेसेस पे, तो वो हो जाता है एलिटरेशन। अगर हम ध्यान दें तो हमें यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच मिल सकता है। यहाँ पे क्या है, हेवन। ये किसको सिंबलाइज कर रहा है, ये कर रहा है स्काई को। और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, सिंबोलिज्म। ओके, ये वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है ये आपके 11th और 12th क्लासेस में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वी हैव आई एम ब्यूटिफुल पर्ल्स। अब रेन अपने आप को यहाँ क्या बता रही है, लाइक ब्यूटिफुल पर्ल्स, अपने आप को ब्यूटिफुल पर्ल्स, पर्ल होते हैं मोती, उनसे कंपेयर कर रही है। प्लग फ्रॉम द क्राउन ऑफ एस्टा बाय द डॉटर ऑफ डॉन। और मुझे तोड़ा गया है, मुझे किसने तोड़ा है, मुझे तोड़ा है द डॉटर ऑफ डॉन। डॉन का मतलब है सनराइज, जो सुबह सुबह का वक्त होता है, उसकी डॉटर ने मुझे प्लग किया है, तोड़ा है। और कहाँ से तोड़ा है, क्राउन ऑफ एस्टा, क्राउन हो गया मुकुट, एस्टा कौन हो गया, एस्टा है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, लव, वॉर एंड सेक्स इन द बेबीलोनियन पैंथियन, एंड शी वॉज द डिवाइन पर्सोनिफिकेशन ऑफ प्लैनेट वीनस। प्लैनेट वीनस को हम फीमेल ब्यूटी से भी कई बार जोड़ते हैं, तो अगर प्लैनेट वीनस को पर्सोनिफाई किया जाए तो वो कौन होता है, एस्टा। सो मुझे डॉन की डॉटर ने एस्टा के क्राउन से प्लक किया है, फॉर वॉट, टू एम्बेलिश द गार्डन्स। एम्बेलिश यहाँ पे इस टर्म का मतलब है डेकोरेट, और मुझे क्यों तोड़ा गया है, गार्डन्स को डेकोरेट करने के लिए। जब यहाँ पे हम गार्डन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम हर नेचुरल एलिमेंट की बात कर रहे होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो अब तक आप समझ गए होंगे मेटाफर हो गया, क्योंकि रेन ने अपने आप को कंपेयर किया है ब्यूटिफुल पर्ल से। और फिर हमारे पास यहाँ पे हो जाता है एक इंस्टेंस एलिटरेशन का भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए पी साउंड इनिशियल प्लेसेस पे रिपीट हुआ है। व्हेन आई क्राई द हिल्स लाफ, इस क्राई का यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं लीजिएगा, क्राई
जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों से पानी गिरता है, तो ये वो पानी है, वाटर रेन का फॉर्म है। क्राई द हिल्स लाफ, जब मैं रोती हूँ, जब मैं नीचे गिरती हूँ तो हिल्स खुश हो जाते हैं, लाफ। और क्यों यहाँ पे कहा जा रहा है खुश हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। और जब हम स्माइल कर रहे होते हैं, जब हम खुश होते हैं, हंस रहे होते हैं, तो हम सभी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए हिल्स को यहाँ पे लाफ कहा गया है, ह्यूमन कैरेक्टर दिया गया है। व्हेन आई हम्बल माई सेल्फ द फ्लावर्स रिजॉइस, और जब मैं रिस्पेक्टफुली फ्लावर्स तक गिरती हूँ, पहुँचती हूँ, दे ऑल रिजॉइस। रिजॉइस मीन्स हैप्पी फील करते हैं। अब जब आप किसी से हम्बली पेश आते हैं तो ऑब्वियसली सामने वाले को अच्छा लगता है। तो रेन यहाँ पे बता रही है, जब मैं हम्बल होके फ्लावर्स तक, प्लांट्स तक पहुँचती हूँ, तो वो सभी बहुत ही हैप्पी फील करने लगते हैं। When I bow, all things are related. A bow यहाँ पे bend forward as a mark of respect. Respectfully जब मैं इन सभी चीज़ों के पास पहुँचती हूँ, everything feels elated. Elated का मतलब है happy and excited. तो यहाँ पे रेन बता रही है कि मेरे नीचे गिरने से, means earth पे आने से, hills खुश हो जाती हैं, flowers happy हो जाते हैं, और not only flowers, बाकी की सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा excited और खुश नज़र आने लगती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच की, तो ये देखिए यहाँ पे जो लाइंस है हमारी, उनमें व्हेन आई, व्हेन आई, व्हेन आई, ये हुआ है रिपीट। ओके, व्हेन आई, व्हेन आई, व्हेन आई, तो ऐसी सिचुएशन में फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है एनाफोरा। एनाफोरा जब लाइंस, जो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस है, मीन्स एक के बाद एक, जैसे लाइन वन है, ये लाइन टू है, उसके इनिशियल प्लेस पे अगर वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो वो हो जाता है एनाफोरा, फिगर ऑफ स्पीच। दूसरा है ऑब्वियसली पर्सोनिफिकेशन, यहाँ रेन ने अपने आप को पर्सोनिफाई किया है। रेन का पर्सोनिफिकेशन तो थ्रू आउट द पोम चल रहा है, बट यहाँ पे देखिए हिल्स को भी पर्सोनिफाई किया गया है। ओके, हिल्स को ह्यूमन नेचर, कैरेक्टर दिया गया है, तो यहाँ भी क्या हो जाता है, फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। ओके, यहाँ पे हिल्स को भी पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट वी हैव द फील्ड एंड द क्लाउड आर लवर्स, यहाँ फील्ड और क्लाउड को क्या किया गया है, लवर्स से कंपेयर किया गया है। एंड बिटवीन देम आई एम ए मैसेंजर ऑफ मर्सी, तो रेन कहती है कि ये जो दो लवर्स हैं, फील्ड और क्लाउड, मैं क्या हूँ, मैं इन दोनों के बीच में मैसेंजर, मैसेंजर यानी कि अ पर्सन हु कैरीज मैसेजेस, मैं मैसेंजर का काम करती हूँ। और वो कैसा मैसेंजर, मर्सी का, फीलिंग ऑफ पिटी एंड सिंपथी। अब यहाँ पे पिटी और सिंपथी क्यों डाला गया है, बिकॉज क्लाउड्स और फील्ड्स जनरली नहीं मिलते हैं, ये जो दो लवर्स हैं ये हमेशा दूर दूर ही रह सकते हैं, जैसे क्लाउड्स स्काई में रहते हैं और फील्ड यहाँ नीचे अर्थ पे है, तो ये ऐसे लवर्स हैं जो दूर दूर रहते हैं। तो रेन यहाँ पे मैसेंजर ऑफ मर्सी का काम करती है, जो एक लवर का मैसेज यहाँ पे दूसरे लवर तक पहुँचाती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। रेन कैरीज ऑन, आई क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द वन एंड क्योर एंड आई क्योर द एलमेंट ऑफ द अदर। अब रेन कहती है आई क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द वन, क्वेंच का मतलब यहाँ पे है सेटिस्फाई थर्स, मीन्स प्यास बुझाना। मैं किसकी प्यास बुझाती हूँ, जब मैं नीचे गिरती हूँ तो ऑब्वियसली फील्ड की मैं प्यास बुझाती हूँ। आई क्योर द एलमेंट ऑफ द अदर, और मैं एक का एलमेंट मीन्स तकलीफ दूर करती हूँ। अब दूसरा यहाँ पे कौन, दूसरी पार्टी यहाँ पे कौन है लवर्स में, अब हमने फील्ड की बात कर ली, फिर यहाँ पे कौन है, क्लाउड्स। अब क्लाउड्स का पेन जो है वो कैसे रेन दूर करती है, क्लाउड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये कंडेंस्ड फॉर्म होते हैं वाटर का। जब बहुत सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो क्लाउड्स का फॉर्म ले लेता है, और वो जब बहुत हैवी हो जाते हैं तो फिर बारिश होने लगती है। तो हैवी मीन्स हैवी हार्ट, जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, मन बहुत भर आता है, दिल भर आता है, तो हम भी रोने लगते हैं। तो यहाँ पे ये क्योर द एलमेंट्स, क्योंकि रोने के बाद क्या है, हमें अच्छा लाइट फील होता है, वैसे ही यहाँ पे रेन को भी, जब वो क्लाउड्स को लाइट कर देती है रेन, तो क्लाउड्स को भी अच्छा फील होता है। अब हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की, तो यहाँ पे देखें ये हो गया फील्ड एंड क्लाउड, इनको हमने लवर्स से कंपेयर किया है। ओके, तो यहाँ हो जाता है मेटाफर। ओके, मेटाफर हो जाता है। दूसरी बात, आई एम मैसेंजर ऑफ मर्सी, यहाँ पे मैसेंजर से कंपेयर किया गया है किसको, रेन को, तो यहाँ भी हो जाता है मेटाफर। उसके बाद एलिटरेशन, अब एलिटरेशन कहाँ पे है, ये
थर्स्ट, टी और टी साउंड आप देखिए रिपीट हो रहा है, तो यहां हो जाता है क्या एलिटरेशन। अब लास्ट की दो लाइंस में आप देखिए आई और आई, ये वर्ड इनिशियल प्लेस पे रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने आपको प्रीवियस स्टैंजा में ही बताया कि जब ऐसा होता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है एनाफोरा। इस सब के अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे है, जिसे हम कहते हैं एंटीथेसिस। एंटीथेसिस बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच होता है वहाँ पे जब एक ही लाइन में या फिर एक पैराग्राफ में, स्टैंजा में, जब टू ऑपोजिट आइडियाज डिस्कस किए जाते हैं। मैं दो ऑपोजिट आइडियाज की बात कर रही हूँ यहाँ पे, दो ऑपोजिट वर्ड्स की नहीं। जब दो ऑपोजिट वर्ड्स की बात होती है तो ऑक्सीमोरॉन हो जाता है, यहाँ पे दो ऑपोजिट आइडियाज डिस्कस किए जा रहे हैं तो एंटीथेसिस हो जाएगा। अब जैसे कि क्या एग्जाम्पल है, पहला तो हो जाता है फील्ड एंड क्लाउड, ये दोनों क्या है, एकदम ऑपोजिट है, एक एकदम ऊपर एक एकदम नीचे। और दूसरा क्या है यहाँ पे, आई क्वेंच द थर्स्ट, यहाँ पे सेम लाइन में यहाँ पे प्यास की बात हो रही है और दूसरी में क्या हो रही है, प्यास बुझाने की बात हो रही है। ओके, थर्स्ट एंड क्वेंचिंग थर्स्ट, तो यहाँ भी ऑपोजिट आइडियाज हैं, तो इस लाइन में भी एंटीथेसिस है। और उसके अलावा आई क्योर द एलमेंट, अब एलमेंट यहाँ पे बीमारी की भी बात हो रही है और यहाँ पे इलाज की भी बात हो रही है, तो यहाँ भी हो जाता है एंटीथेसिस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपको जानना चाहिए और सीखना चाहिए, जिससे कि आप इसे आगे यूज कर सकें आंसर करने में। द वॉइस ऑफ थंडर डिक्लेयर्स माई अराइवल, अब जब थंडर होता है, ओके, जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो वो क्या करते हैं, दे डिक्लेयर माई अराइवल। डिक्लेयर का मतलब है अनाउंस, अराइवल का मतलब है मेरा आना, वो अनाउंस करते हैं। थंडर और जो लाइटनिंग होती है वो मेरा आना अनाउंस करते हैं। द रेनबो अनाउंस इज माई डिपार्चर, और जब रेनबो आता है तो क्या करता है, अनाउंस करता है क्या, मेरा डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब जाना, अराइवल एंड डिपार्चर। आई एम लाइक अर्थली लाइफ विच बिगिन्स एट द फीट ऑफ द मैड एलिमेंट्स एंड एंड्स अंडर द अपरेज्ड विंग्स ऑफ डेथ। तो रेन यहाँ पे कहती है, अपने आप को कंपेयर करते हुए कहती है, किससे, अर्थली लाइफ से। रेन यहाँ पे अपने आप को अर्थली लाइफ से कैसे कंपेयर करती है, कहती है विच बिगिन्स एट द फीट ऑफ द मैड एलिमेंट, जो कि शुरू होता है एट द फीट ऑफ द मैड एलिमेंट्स, मैड एलिमेंट्स के पार्टिसिपेशन से। अब यहाँ पे मैड एलिमेंट्स कौन से हैं, ये है थंडर, वाटर, एयर, इन सभी को यहाँ पे मैड एलिमेंट्स कहा गया है। इन सभी की वजह से ही रेन शुरू होती है। अब इसमें अर्थली लाइफ का क्या कंपैरिजन है, जैसे अर्थली लाइफ भी शुरू होती है और उसका एक एंड होता है, मीन्स बर्थ एंड देन डेथ, उसी तरह से रेन भी शुरू भी होती है और फिर ख़त्म भी हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड एंड्स अंडर द अपरेज्ड विंग्स ऑफ डेथ, और बाद में क्या होती है, डेथ हो जाती है रेन की, जब रेन ख़त्म हो जाती है, बारिश चली जाती है, तो ये उस फेज को कहा गया है। अब हम देखते हैं कि इस स्टैंजा में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी नजर पहुंच जानी चाहिए द और द, तो यहाँ क्या हो जाता है, एनाफोरा। जैसा कि आपको पहले ही बताया, जब इनिशियल प्लेसेस पे वर्ड्स रिपीट होते हैं तो वहां पे हो जाता है एनाफोरा। अब यहाँ पे एक दूसरा हम यहाँ पे पा सकते हैं क्या है, एंटीथेसिस। अब एंटीथेसिस क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अराइवल एंड डिपार्चर, यहाँ पे आने की भी बात हो रही है और फिर यहाँ पे दूसरी लाइन आते ही यहाँ पे जाने की बात हो रही है, एक ही पैराग्राफ में, एक ही स्टैंजा में अगर इस तरीके से हो, दो ऑपोजिट आइडियाज डिस्कस किए जाएं, तो हो जाता है वहाँ पे क्या, एंटीथेसिस। उसके बाद क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए थंडर को वॉइस दी गई है, थंडर डिक्लेयर्स माई अराइवल, और यहाँ पे रेनबो को भी वॉइस दी गई है, अनाउंसमेंट का कैरेक्टर दिया गया है जो कि एक ह्यूमन कैरेक्टर है, तो वो भी क्या हो जाता है यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन, इन दोनों इंस्टेंसेस पे। और रेन का जो पर्सोनिफिकेशन है वो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, थ्रू आउट द पोम कंटिन्यूड है। अब एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे है, वो पहला वाला है जो हम सभी सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच सीखते हैं वो क्या है, हमारा प्यारा सिमली। ओके, ये कहाँ पे है, लाइक, आई एम लाइक अर्थली लाइफ, यहाँ पे रेन ने अपने आप को अर्थली लाइफ से कंपेयर किया है, बट यहाँ पे लाइक वर्ड का यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सिमली।
आई एमर्ज फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सी एंड सोर विद द ब्रीज. मैं एमर्ज कहाँ से होती हूँ? रेन यहाँ पे कह रही है. एमर्ज का मतलब कम आउट ऑफ. मैं कहाँ से निकलती हूँ? फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सी. सी से आप अगर वाटर साइकिल, ऑब्वियसली आपको पता होगा, तो यहाँ से जो इवेपोरेट होके वाटर ऊपर जाता है वही रेन का मेन कॉज होता है. तो आई एमर्ज फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सी एंड सोर विद द ब्रीज. सोर का मतलब है फ्लाई हाई अप इन द स्काई टू रीच द क्लाउड्स. और ब्रीज जो है हवा, इन सब की हेल्प से, हवा की हेल्प से मैं कहाँ पहुँचती हूँ? ऊपर पहुँचती हूँ स्काई तक. और मैं क्या करती हूँ? क्लाउड्स फॉर्म करती हूँ. When I see a field in need, I descend and embrace the flowers and the trees in a million little ways. और जब मैं देखती हूँ कि नीचे अर्थ पे कोई फील्ड, कोई जगह, कोई ज़रूरत है, किसी भी जगह को ज़रूरत है, इन नीड, मेरी ज़रूरत में है, पानी की उसको ज़रूरत है, I descend. Descend का मतलब I come down and embrace. Embrace का मतलब है मैं उनको गले लगाती हूँ, the flowers and the trees in a million little ways. और मैं उन्हें कई तरीके से गले लगाती हूँ, हग करती हूँ. million little ways यहाँ पे बताए गए हैं. अब हम अगर बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की, तो एक तो जो अपना परमानेंट वाला चल रहा है पर्सोनिफिकेशन रेन का, वो है. और दूसरा यहाँ पे देखिए टी साउंड का यहाँ पे रेपिटेशन है, तो ये हो जाता है एलिटरेशन. I touch gently at the windows with my soft fingers and my announcement is a welcome song. All can hear but only the sensitive can understand. अब रेन यहाँ पे कह रही है कि मैं क्या करती हूँ, मैं gently touch करती हूँ windows को. और कैसे टच करती हूँ? विद माई सॉफ्ट फिंगर्स. जब रेन गिरती है तो आप देखते हैं विंडोज पे भी उसका थोड़ा सा मार्क आ जाता है, तो उसको रेन ने क्या कहा है? सॉफ्ट फिंगर्स. एंड माई अनाउंसमेंट इज़ अ वेलकम सॉन्ग. और मेरा अनाउंसमेंट जब मैं नीचे आती हूँ तो वो क्या है? एक वेलकम सॉन्ग की तरह होता है, क्योंकि सब मुझे वेलकम कर रहे होते हैं. जब मैं अर्थ पे आती हूँ सब लोग हैप्पी हो जाते हैं, जब किसी के आने से हम खुश होते हैं, तो हम कहते हैं ये एक वेलकमिंग जेस्चर है. तो हमने उसे यहाँ पे वेलकमिंग जेस्चर दिया है. किसको? रेन को. रेन कह रही है कि सब लोग मेरा वेलकम करते हैं. All can hear but only the sensitive can understand. और मेरा आना सभी सुन सकते हैं, सुनने को तो सब लोग सुन सकते हैं, but only the sensitive can understand. But जो sensitive लोग होते हैं, sensitive यहाँ पे क्या है? Quick to respond. जो लोग फटाफट से respond करने वाले होते हैं, चीज़ें समझने वाले होते हैं जल्दी से, वो ही लोग समझ सकते हैं कि अब बारिश होने वाली है. जब थोड़ा सा वेदर में चेंज होता है, जैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट की हम बात करें, अगर रेन के आने की, वेदर में चेंज होता है तो कई लोग हैं हमारे आसपास जो बताने लगते हैं कि अब बारिश होने वाली है, तो उन्हें हम, उन्हीं जैसे लोगों को यहाँ पे सेंसिटिव कहा गया है. अब हम बात करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की. तो सबसे पहली लाइन में आप देखिए W एंड W, रेपिटिशन हियर, तो दिस इज एलिटरेशन. ओके, हमारा सबसे सिंपल वाला जिसे पहचानना बहुत ही आसान है. उसके बाद यहाँ पे एक जो रेन का ऑब्वियसली जो चल रहा है पर्सोनिफाइड फॉर्म, वो तो है ही. एक यहाँ पे और है फिगर ऑफ स्पीच, इंजैबमेंट. आप देखें इस लाइन के बाद कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, डायरेक्टली एंड में यहाँ पे आया है. ऐसी सिचुएशन में हम क्या नाम देते हैं इस फिगर ऑफ स्पीच को? इंजैबमेंट. ओके, तो यहाँ एक और फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है इंजैबमेंट. I am the sigh of the sea. अब रेन ने अपने आप को किससे कंपेयर किया है? Sigh of the sea. Sigh क्या होता है? Long deep breath of sadness. थोड़ी सी sadness. अब यहाँ पे sea क्यों sad है? क्योंकि sea से water दूर हो रहा है, evaporate हो रहा है, उससे दूर जा रहा है. The laughter of the field. But मैं sea को तो sad करती हूँ, but मैं खुश किसे करती हूँ? Fields को करती हूँ. जब मैं वापस रेन के फॉर्म में गिरती हूँ तो मैं क्या होती हूँ? द लाफ्टर ऑफ द फील्ड, द टीयर्स ऑफ हेवन. और मैं क्या हूँ? हेवन, यानी कि यहाँ पे हेवन कौन है? स्काई. और मैं आंसू हूँ किसके? टीयर्स हूँ किसके? स्काई के. अब रेन ने अपने आप को यहाँ पे तीन चीज़ों से साइमल्टेनियसली कंपेयर किया है. तो यहाँ पे हम अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो यहाँ पे भी मेटाफर हो जाते हैं. इन तीनों लाइंस में ही हम कह सकते हैं मेटाफर हो जाता है, क्योंकि अब रेन ने अपने आप को इन सभी से कंपेयर किया है. और जो आई वाला पर्सोनिफिकेशन है, अगेन इट इज सेम एवरीवेयर. सो विद लव, साइज फ्रॉम द डीप सी ऑफ अफेक्शन. तो रेन यहाँ पे कह रही है आई एम फुल ऑफ लव,
एंड हाउ आई एम फुल ऑफ लव बिकॉज आई कम फ्रॉम द साइज फ्रॉम द डीप सी ऑफ अफेक्शन. मैं डीप सी ऑफ अफेक्शन से इमर्ज होती हूँ. सी क्योंकि आपको बताया प्रीवियस स्टैंजा में कि जब वाटर वेपर्स दूर होते हैं तो सी यहाँ पे क्या है, सैड होता है, इमोशनल फील करता है. लाफ्टर फ्रॉम द कलरफुल फील्ड्स ऑफ स्पिरिट. हियर अब कलरफुल फील्ड ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी. और मैं लाफ्टर हूँ, किसका लाफ्टर हूँ मैं, फील्ड्स का, जहाँ की एनर्जी रहती है. एनर्जी क्या है यहाँ पे, प्लांट्स की खुशी और ट्रीज का होना वहाँ पे, फ्लावर्स, एवरीथिंग. टीयर्स फ्रॉम द एंडलेस हेवन ऑफ मेमोरीज. और इसके साथ ही साथ मैं क्या हूँ, मैं आई एम द टीयर्स. टीयर्स कौन से, एंडलेस हेवन ऑफ मेमोरीज से. जब हम कभी कभी, मेमोरीज यहाँ पे क्या है, रिमेम्बरेंस, पुरानी चीज़ें, अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें याद करके रो पड़ते हैं, तो रेन अपने आप को उन सभी चीज़ों से भी कंपेयर यहाँ पे कर रही है. फिगर्स ऑफ स्पीच की हम बात करें तो एक तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है रेन के लिए, और दूसरा यहाँ पे मेटाफर है, क्योंकि रेन ने अपने आप को यहाँ पे कंपेयर किया है डीप सी ऑफ अफिक्शन के साय से, अपने आप को लाफ्टर से कंपेयर किया है और टीयर्स से भी कंपेयर किया है. That was all about this poem, and I'm sure everybody understood it very well. Thank you everybody for watching.